हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पून ऑफ कलकत्ता। आज मैं आपके साथ एक बहुत इजी और सबका फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, एंड दैट टू इन माय वर्जन। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। इसे बनाने के लिए हमें लगेगा 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून टमेटो केचप, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लेमन जूस और 1/2 टीस्पून विनेगर। नाउ मिक्स एवरीथिंग नाइसली। अब हम एक 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट को ऐसे लव शेप में कट करके इस बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम इसको एक ग्रिल स्टैंड में प्लेस करके माइक्रोवेव में माइक्रो प्लस ग्रिल ऑप्शन को 2 बार प्रेस करके C2 मोड में डाल के 10 मिनट का टाइम सेट करके इसको ग्रिल करना स्टार्ट करेंगे। After 5 minutes, stop button को एक बार प्रेस करके इसको carefully बाहर निकाल के फ्लिप कर लेंगे। मैंने मसाले में बटर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इसीलिए सेकेंड टाइम ग्रिल करते वक्त मैंने बटर ब्रश नहीं किया है। इसका रीजन ये है कि इससे ब्रश करते वक्त मसाले पील ऑफ हो जाते हैं, और फिर से इसे अंदर डाल के स्टार्ट कर देंगे। आप इसको मैक्स 15 मिनट तक ग्रिल कर सकते हो। चेक इट वाइल कुकिंग बाय अ टूथपिक कि ये पूरी तरह पका है या नहीं। सो हियर प्रेजेंटिंग माई वेरी ओन वर्जन ऑफ ग्रिल चिकन, जिसका नाम है डेविल्स हार्ट, एंड आई एम श्योर दैट दिस काइंड ऑफ डेविल्स हार्ट वी ऑल हैव एंड लव।